दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम और एनी। तो यहाँ पर सम और एनी जो है, सम का यूज यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में। तो वहीं पर एनी जो है, एनी का यूज जो होता है वो निगेटिव सेंटेंस में होता है, निगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, तो ये निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं और सम का यूज जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। और ये जो है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में होता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव और प्रोनाउन में होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे सम वाइज आर प्रेजेंट प्रेजेंट एंड सम आर अब्सेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों जगह सम है। ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो सम के बाद जो है, तो सम के बाद यहाँ पर वाइज जो है वो तो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर जो सम यूज हुआ है वो पॉजिटिव सेंटेंस में हुआ है। ठीक है, और ये जो हुआ है वो पॉजिटिव सेंस में भी हुआ है। अब एग्जांपल ले ले एक और, जैसे एनी का एग्जांपल ले, जैसे एनी बॉयज आर नॉट अब्सेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर जो यूज हुआ है एनी का, ये निगेटिव सेंस में यूज हुआ है, निगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और एनी जो है वो निगेटिव सेंस में यूज होता है। लेकिन इतना ही जानना जरूरी नहीं है, इतना ही ज़्यादा नहीं है, और भी इसमें जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों, एनी जो है तो एनी भी होता है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज। लेकिन कब यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, कब यूज होगा एनी का? तो देखिए, जब भी कोई कथन होगा उस पर अगर जोर दिया जाएगा तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी का जो है यूज होता है। ठीक है, जैसे एनी वन कैन बिकम ए टीचर, यानी कोई भी जो है शिक्षक बन सकता है। तो यहाँ पर एनी जो है, इसका जो यूज हुआ है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस पर इम्फेजिज है, जोड़ दिया जा रहा है कि नहीं, कथन पर जोड़ दिया जा रहा है, तो इस तरह से जो है तो इसका यूज हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल ले ले, जैसे यहाँ पर कम कम एनी टाइम। ठीक है, कभी भी आओ। तो यहाँ पर भी एनी जो है, इसका भी जो यूज हुआ है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। तो यहाँ पर जोड़ दिया जा रहा है सेंटेंसेज पर। दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो सम, तो अगर हम सम को देखें तो ये जो है वो काउंटेबल नाउन जब इसके साथ आए, या अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, सम के बाद जब काउंटेबल नाउन आए या अनकाउंटेबल नाउन आए। काउंटेबल नाउन आपको पता है, टू बी काउंटेड। ठीक है, टू बी काउंटेड, जिसे हम जिसे गिना जा सके। और अनकाउंटेबल कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर अगर सम के बाद जो है अगर काउंटेबल नाउन आए और उसके बाद कोई प्लूरल नाउन आए, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा दोस्तों, वो वर्ब होगा हमारा प्लूरल, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, और अगर सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन है और इसके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो दोस्तों, इसके बाद जो वर्ब लेगा तो ये लेगा हमारा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल जैसे हो गया, और सम के बाद ये बॉयज जो है वो कैसा नाउन है? तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये प्लूरल नाउन है कि नहीं? बॉयज कैसा है? तो प्लूरल नाउन है। तो इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो कैसा वर्ब यूज होगा? तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो ये दोनों ऑप्शंस में से जो है वो आर हमारा सही हो जाएगा, चूंकि आर जो है वो हमारा प्लूरल वर्ब है। ठीक है, इज सिंगुलर वर्ब है। तो अब देखिए, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सम है, और सम के बाद जो फूड है वो फूड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है वो भी सिंगुलर, तो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है। तो इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो कैसा वर्ब यूज होगा? तो ये हमारा जो वर्ब यूज हो जाएगा वो सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगा। तो इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए जो है इज हमारा ये सही हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑल पर। ठीक है, तो ऑल पर अगर देखा जाए तो ऑल पर भी बहुत ही अच्छा है। देखिए, इसमें भी है कि ऑल के बाद जब काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन आए। ठीक है, काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आए, तब इसके साथ जो है वो वर्ब क्या लेगा उसको जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर जो है ये तो हमारा काउंटेबल नाउन है, और इसके बाद अगर कोई प्लूरल नाउन आए, ठीक है, तो प्लूरल नाउन आए ऑल के बाद, या ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है और वो सिंगुलर है, ठीक है, और वो सिंगुलर नाउन है, तो क्या होगा? तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब यूज
होगा, ठीक है। और इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो हमारा प्लूरल वर्ब यूज होगा। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो है वो प्लूरल वर्ब लेगा और इसके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब टेक्स प्लेस करेगा। दोस्तों यहाँ पर जब अनकाउंटेबल नाउन होता है ऑल, और उसका मतलब जो हो जाता है अगर ये एवरीथिंग के अर्थ में यूज हुआ है, ठीक है, यानी एवरीथिंग मतलब सब कुछ, सब कुछ या प्रत्येक चीज, ठीक है, प्रत्येक चीज के अर्थ में जब यूज होता है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब टेक्स प्लेस करता है। जैसे अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर है कि ऑल ऑल बॉयज, और यहाँ पर खाली स्थान है और इज और आर है, और उसके बाद है गुड है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑल फूड, ऑल फूड है डैश है, ठीक है, और लेफ्ट फॉर यू, ठीक है। दोस्तों ये दोनों सेंटेंसेस पर अगर गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए, तो ऑल ऑल के बाद जो बॉयज है, ठीक है, ये कैसा है, तो काउंटेबल नाउन है, लेकिन प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से आर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि आर जो है वो हमारा प्लूरल वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल, ऑल के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फूड, फूड जो है वो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके बाद जो वर्ब लेगा वो कैसा वर्ब होगा, तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा इज और आर, तो सही ऑप्शन भरा जाएगा हमारा इज।